यूपी कैबिनेट की आज ब्रीफिंग हो रही है इस वक्त, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। प्रदेश के हर खेत को और उत्तर प्रदेश के हर घर को बिजली पहुंचे, उसी संदर्भ में आज ऊर्जा विभाग से संबंधित कुछ फैसले हुए, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और उसमें कुछ और भी डिटेल में कुछ बातें होंगी तो संजय अग्रवाल जी मेरे साथ बैठे हैं, वो उसकी जानकारी आपको देंगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के आने के बाद ये पहली ऐसी गर्मी होगी जिसमें ग्रामीण अंचल को 18 घंटे बिजली मिलेगी, जो तहसील पर हमारे मुख्यालय हैं उनको 20 घंटे बिजली मिलेगी, बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनको 20 घंटे मिलेगी, और जिला जो मुख्यालय है हमारे वहां 24 घंटे बिजली मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया था कि नवरात्रों में सभी शक्तिपीठों पर 24 घंटे बिजली पहुंचे, रामनवमी पर सभी धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे बिजली पहुंचे, और जर्जर व्यवस्था होते हुए भी यह सुनिश्चित किया गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसका अनुपालन हो। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह था कि 18 घंटे जो हमने रोस्टर तय किया है ग्रामीण अंचल का, क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि रात्रि में छात्रों को पढ़ने के समय बिजली उपलब्ध हो, और जब वो परीक्षा के लिए परीक्षा कक्ष में पहुंचे वहां पर भी बिजली उपलब्ध हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का अनुपालन हो रहा है, पूरी शिद्दत के साथ ऊर्जा विभाग के लोग काम में लगे हैं, कहीं कोई त्रुटि की शिकायत भी आती है अवलंब उसको पूरा करने का प्रयास भी किया जाता है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आदेश है कि अभी तक ये जो रोस्टर है ये किताबों तक ही सीमित रहता था, शक्ति भवन तक ही सीमित रहता था, ये रोस्टर नीचे जमीन पर इसका क्रियान्वयन हो। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस तरह के रोस्टर जारी किए थे, पिछली सरकार में जो मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि ये नया क्या कर रहे हैं, ये तो हमने ही पहले कर दिया था। हम उनको इतना बताना चाहते हैं कि आपने जो आदेश जारी किए थे वो सिर्फ किताबों तक सीमित थे, वो सिर्फ शक्ति भवन तक ही सीमित थे, और वो सिर्फ जो मुख्यमंत्री जी आवास पर और मुख्यमंत्री कार्यालय तक सीमित थे, या उनके जो बीआईपी उनके जो सहयोगी लोग थे उन तक सीमित थे, जनता तक उनके रोस्टर का क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। क्योंकि इस सरकार की प्राथमिकता गांव का गरीब है, इस सरकार का जो बीआईपी है वो गांव में रहने वाला गरीब है। तुम्हारे मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो बीआईपी है गांव का गरीब किसान उसकी चिंता करते हुए ये सुनिश्चित किया है कि जो रोस्टर है इसका क्रियान्वयन हो,
और इसमें कहीं कोई कोताही अगर बरती गई तो सभी एमडीज को आदेश दिए गए हैं, नीचे तक आदेश जारी किए गए हैं, इसमें कोई कोताही ना हो, कोई शिकायत ना मिले, टेक्निकल कोई फॉल्ट है तो समय रहते उसको पूरा किया जाए। अगर कहीं ज्यादा शिकायतें आई और टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, लापरवाही है, तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन जिन जिलों में ग्रामीण अंचल में रोस्टर का अनुपालन नहीं होगा, शहरी या ग्रामीण या तहसील में, वहां पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें कोई कोताही नहीं होगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। अभी तक ग्रामीण अंचल में रात को बिजली नहीं मिलती थी, हमेशा से ग्रामीण अंचल की उपेक्षा होती रहती थी। तो जो नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए आदित्यनाथ योगी जी पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं, और इसमें यह भी हमारा संकल्प है कि 2018 तक, अक्टूबर 2018 तक, यानी कि 19 से पहले पहले 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, उसके लिए भी युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा एक और अहम फैसला आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने लिया है और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। अभी तक जो ट्यूबवेल हैं किसानों के, नलकूप हैं, वहां पर अगर कोई ट्रांसफार्मर जलता था या फूकता था तो जो पूर्ववर्ती सरकारों का रोस्टर है 72 घंटे में उसको बदला जाता था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों के नलकूपों पर ट्रांसफार्मर अगर खराब होता है तो उसको 48 घंटे में बदला जाएगा। पहले किसान ही अपने ट्रांसफार्मर को अपने निजी वाहन के द्वारा बैलगाड़ी या भैंसा बुग्गी के माध्यम से या फिर ट्रैक्टर के माध्यम से लेकर आता था। अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जैसे ही शिकायत मिलेगी तुरंत बिजली विभाग के लोग जाएंगे, ट्यूबवेल पर जाएंगे, ट्रांसफार्मर को लोड करके लाएंगे और वहां दूसरे ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करेंगे। तो एक बहुत बड़ा फैसला किसानों के हित में आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने लिया है। 24 घंटे के अंदर शहरी क्षेत्रों में अगर कोई ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होता है तो उसका बदलने का प्रावधान है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे मैंने जिक्र किया 48 घंटे में वह ट्रांसफार्मर बदला जाएगा, ये ऊर्जा विभाग के लोग सुनिश्चित करेंगे। इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी की सख्त हिदायत है, इस पर भी लापरवाही ना बरती जाए। इसमें भी अगर कहीं लापरवाही बरती जाएगी तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें यह भी जिक्र किया है कि ऊर्जा विभाग के लोग अब गांव में दिखने चाहिए, खेतों पर घूमते हुए दिखने चाहिए। अगर कहीं कोई समस्या आने वाली है पूर्व में तो उसका समाधान कैसे हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए, इसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया है। तीसरा एक और बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसका कि हमने जिक्र पिछली कैबिनेट की ब्रीफिंग में आप लोगों के सामने किया था,
इस बार आलू की फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन किसानों को आलू का उचित मूल्य नहीं मिला। अगर पूर्ववर्ती सरकार प्रोएक्टिव होती, थोड़ा संज्ञान लेती, तो आलू किसानों को दिक्कत नहीं आती। हमारी सरकार ने एक मंत्री समूह का गठन किया था और उस मंत्री समूह की जो संस्तुति है, अब चार जो एजेंसियां हैं, जिसमें एक केंद्र की एजेंसी है, हमारी राज्य की एजेंसियां हैं, वो मिलकर 1,00,000 मैट्रिक टन आलू खरीदने का काम करेंगे, जिससे कम से कम अगर हम किसान को कोई लाभ नहीं दे सकते हैं तो हम उसकी जो लागत है वो देने का प्रयास करें। 487 प्रति क्विंटल खरीद का लक्ष्य तय किया है। सभी जिलाधिकारियों को ये आदेश जारी किए हैं कि वो खरीद केंद्र अपने अपने जिलों में जहां जहां आवश्यकता है, किसानों की जहां मांग है, वहां स्थापित करें और वो किसानों से उनका जो आलू है वो खरीदने का काम करें। बड़ी तादाद में आलू कोल्ड स्टोरेज में है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां आलू अभी भी किसान के घर पे है, उसको खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। एक बहुत बड़ी राहत ये आलू किसानों के लिए है। ये किसान गरीब, ये सरकार गरीब की सरकार है, ये सरकार किसानों की सरकार है। एक और जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, एक और फैसला हमारी सरकार ने किया है गन्ना किसानों से संबंधित, उसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि गन्ना किसानों को जो हमने तय किया है अविलंब, जो पूर्व का भुगतान है वो 120 दिन के अंदर हो और वर्तमान जो उनका भुगतान है वो 14 दिन के अंदर हो, और उसमें अगर कहीं कोई लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये निर्देश दिए गए हैं कि चीनी मिलों के द्वारा भुगतान न किए जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद अधिनियम 1953 की धारा 17 की उपधारा 4 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश में निहित है। तो यह भी आगाह किया गया है कि वो उनका जो बकाया है वो अविलंब दिया जाए। और इस सत्र का जो अभी तक के जो परिणाम है बहुत उत्साह वाले हैं, और जहां जहां कमी है हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे सब विभाग के लोग सक्रिय हैं कि गन्ना किसानों को उनका बकाया समय पर मिले। मैं आपको डिटेल नोट हमारी तरफ से जारी किया गएगा, इसमें 15-16 का भी जिक्र है, 16-17 का भी जिक्र है, 14-15 का भी इसमें जिक्र है। बिल्कुल, मैंने आपको जिक्र किया ना, इसका एक प्रेस नोट है, आपको हम प्रेस नोट पर जारी कर देंगे, उसमें सारे डिटेल पूरी तरह से दिए गए हैं। मैंने आपको निवेदन तो किया है, एक मिनट में अपना विषय पूरा कर लो, आप बहुत योग्य हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। बिल्कुल, प्रेस नोट है, इसकी जानकारी देंगे आपको, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नंबर एक,
इसमें सुनिश्चित कर रही है सरकार कि किसानों के हितों पर कुठारघात ना हो, उनके अधिकारों का संरक्षण सरकार कर रही है। और मैं आपको बकाये की जानकारी दे दूं, सोलह सत्रह में अब तक आपूर्ति किए जाने की तिथि से 14 दिन पूर्व तक कुल दिए हुए गन्ना मूल्य रुपए 7.5 में कृषकों को, और टोटल अगर हम देखें तो 4,303 बकाया है, जिसकी हम अगर प्रतिशत में देखें तो जो भुगतान हुआ है वो 81% भुगतान हो चुका है, तीनों चारों साल का है। अभी मैं पूरा डिटेल दे दूंगा आपको, हर साल का इसमें जिक्र है। एक और फैसला हमारी सरकार का है, हमारी सरकार एक योजना और लेकर आ रही है, क्योंकि बहुत सारी अनियमितताएं ऊर्जा विभाग में देखी गई थी, बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, बिलों के भुगतान में कई बारी भुगतान के बाद भी कुछ शिकायतें आ रही थी कि उनके खाते उसके उनके बिल में पिछला बिल भी जुड़ गया था, तो इसलिए हमारी सरकार ने फैसला लिया है प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं शहरी निम्न एवं मध्यम घरेलू कमर्शियल, उसमें एक हम योजना लेकर आ रहे हैं कि जो भी सरचार्ज है वो हम उनका माफ करेंगे और जो मूलधन है उसका उनको भुगतान करना होगा बिजली में। उसमें एक राहत और हम किसानों को दे रहे हैं कि जिन किसानों का 10,000 से ज्यादा का बकाया है वो है एक साल के अंदर बकाया राशि 4 किस्तों में जमा करा सकते हैं। एक तो उनका सरचार्ज माफ हुआ है, दूसरा एक राहत उनको ये भी है कि 10,000 से ऊपर का अगर बिल है तो उसका भुगतान, जो 10,000 के ऊपर की जो राशि है उसका भुगतान वो आसान किस्तों पे कर सकते हैं, 4 किस्तें उसमें सुनिश्चित की गई हैं। तो एक बहुत बड़ा फैसला, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे हमारे किसानों को, गांव में रहने वाले लोगों को, शहरी उपभोक्ताओं को, और जो इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो हम अपने विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का खूब अभिनंदन कर रहे हैं, उनका खूब हम स्वागत कर रहे हैं। बाकी जो अन्य जानकारी है तो मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय सिद्धार्थ जी को आमंत्रित करूंगा, लेकिन इससे पहले एक और फैसला है हमारे जो बिजली विभाग का है कि 14 अप्रैल को एक अभियान है, एक मिशन चल रहा है पावर फॉर ऑल, देश के प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मिशन है कि पावर फॉर ऑल, सबको बिजली मिले। अभी तक कुछ कारणों से उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो करार केंद्र सरकार के साथ नहीं किया था, हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया था आती कि सबसे पहले हम ये करार केंद्र के साथ करेंगे। तो 14 अप्रैल को 5:30 बजे केंद्रीय मंत्री
श्री पीयूष गोयल जी यहां पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनकी उपस्थिति गरमा में उपस्थिति में यह करार होगा। और इस करार में यह भी सुनिश्चित है कि 2019 से पहले पहले उत्तर प्रदेश के हर गांव में रोशनी पहुंचे, क्योंकि हम पूर्व के घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहते। जब कोई रात्रि में जब हम लोग प्रवास करते थे तो जैसे ही कहीं अंधेरा हुआ, सूरज छुपने के बाद जब अंधेरा शुरू हो जाता था, लोगों को लगता था कि हम उत्तर प्रदेश में आ गए। लेकिन ये जो परसेप्शन बना था, इसको हम उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से इसको तोड़ने का काम करेंगे। और जब आप एंटर करेंगे प्रदेश में तो आपको उजाला उजाला दिखाई देगा। इस तरह का ये हमारा अभियान है, अनुमोदन हुआ है। तो ये फैसले हमारी सरकार ने लिया है, तो 14 तारीख को इसका अनुमोदन होगा। अनुमोदन आज किया है, 14 तारीख को ये करार होगा। हाँ, इस पर हस्ताक्षर होंगे आपके। एक मिनट, प्रेस पूरी हो जाए उसके बाद। बिल्कुल, एक बार प्रेस पूरी हो जाए उसके बाद सवाल पूछिए। मैं आग्रह करूंगा अपने सहयोगी सिद्धार्थ जी से कि वो अन्य जो फैसले हमारी सरकार ने की उसकी जानकारी आपको दें। क्षमा चाहता हूं कि आज हम लोगों के कारण आप लोगों को ज्यादा वेट करना पड़ा, मगर 5 साल से आप लोग वेट ही कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता कुछ निर्णय नहीं हो रहे थे। तो आज प्रयास किया गया है कि दूसरी कैबिनेट बैठक के अंदर कुछ निर्णय कर लें जो कि उत्तर प्रदेश की जनता को उसका फायदा मिले। मगर जब भी हम क्षमा मांगते हैं आप लोगों को इंतजार करवाने के लिए। शरद, चलिए आप समय देंगे तो वो भी करके दिखाएंगे। निर्णय तो शुरू किए हमने। ये भी हम लोग ने देखा है कि सरकारें जो होती हैं, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कहीं न कहीं उसको ना करने का प्रयास करते हैं। और उसका एक जीता जागता कहीं उदाहरण उत्तर प्रदेश में रहा है, तो वो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन जो गठित होती हैं, प्राधिकरण होते हैं, उन लोगों के अंदर हम लोग ने देखा है। और केंद्र की तरफ से या कैग के माध्यम से कहीं ऑडिट करने का प्रयास होता था, उसकी अनुमति मांगी जाती थी, तो राज्य सरकार वो फाइल को दबा लेती थी, राज्यपाल उसमें हस्तक्षेप भी करते थे जब भी वो फाइलें दबाई गई हैं। तो ये विषय हम लोग के सामने आया कि पारदर्शिता होनी चाहिए, सुशासन का मतलब भी होता है और इससे भ्रष्टाचार भी रुकता है। तो उस विषय के अंदर आज हम लोगों ने एक प्रमुख निर्णय लिया है। उस निर्णय के तहत कैग को या कोई भी केंद्र एजेंसी जिसको अनुमति मांगती है उसको हम लोग तुरंत दे देंगे। तो राज्य सरकार ने आज इसका अनुमोदन किया है, ये एक निर्णय था। जानकारी इसकी डिटेल में क्या उसमें करेंगे वो आप लोगों को एक नोट दिया जाएगा जिससे आपको उसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी का इसमें कलेक्शन होता है, उसको देखते हुए क्या सरकार कर सकती है नहीं कर सकती। तो ये कुछ डिटेल्स हैं टेक्निकल, उसको आप इंतजार करिए भाई साहब। नदीम, नहीं आप बताना चाहे और डिटेल चाहिए होगा। हाँ बताइए। इसमें जो पहले मंत्री जी बता रहे हैं, इसमें ये व्यवस्था है कि जो हमारे प्राधिकरण हैं इनका गठन जो है वो उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत हुआ है। जितने भी प्रदेश में 29 हमारे प्राधिकरण हैं और उसके उसी एक्ट जो ये एक्ट है इसी के प्रस्तर 22 में इनके ऑडिट की भी व्यवस्था है कि ये किस तरह से इनका ऑडिट होगा, किस तरह इनका अकाउंट्स होगा, किस तरह बनाए जाएंगे,
तो इसमें जो व्यवस्था है राज्य सरकार की, चूंकि एक्ट है ये, तो राज्य सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत ये स्थानीय निधि लेखा जो सिस्टम है हमारे यहाँ, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा जो इलाहाबाद की संस्था है राज्य सरकार की, वो इसका ऑडिट करती है। और ये विधानमंडल दल में भी रखा जाता है ऑडिट रिपोर्ट, और उसके बाद फिर विधानमंडल की समिति भी बनी हुई है, वो इसको देखती है। सीएजी ने ये रिक्वेस्ट किया था भारत राज्य सरकार से कि हम कुछ प्राधिकरणों का ऑडिट करना चाहते हैं, विशेषकर गाजियाबाद के संबंध में उनका आया था।